वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो पितृदेवताय नमः। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको तो पता ही है कि पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष आरंभ हो गया है, तो उससे जुड़े बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, जिसके लिए हम अक्सर किसी ना किसी से पूछना चाहते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं, पितृपक्ष में महिलाएं भी, ये सवाल अक्सर होता है कि क्या महिलाएं कर सकती हैं पितृपक्ष में पिंडदान। तो जानिए क्या कहता है हमारा गरुड़ पुराण। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा, कोई ज्ञानी बाबा तो है नहीं, जो मन में आता है उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसके ऊपर आपको आकर वीडियो बनाकर दे देते हैं। तो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, क्षमा कीजिएगा। तो आइए, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार और कहेंगे, अभी फेस्टिवल्स शुरू हो चुके हैं तो और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं आपके लिए। कोशिश करेंगे हम कंसेप्ट वीडियोस भी शॉर्ट्स में लाने के लिए, क्योंकि अब हमने अपने खुद भी वीडियो में आपको दिखाई देते हैं, तो उसी हिसाब से कुछ कंसेप्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे अच्छे अच्छे। तो सब्सक्राइब कीजिए भक्ति सागर सोनी का, भक्ति सागर फेसबुक है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं भक्ति सागर सोनी का, और मोटिवेशन सोनी का इंस्टा पर आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं कि क्या महिलाएँ कर सकती हैं पितृ का पिंडदान। जी हाँ, गरुड़ पुराण में ये बात लिखी गई है कि महिलाएं पिंडदान कर सकती हैं या नहीं, इसका जिक्र वहां पर है कि किस कंडीशन में, कंडीशन भी दी गई है साथ में कि कब कर सकती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो, क्योंकि जब पुत्र नहीं है तो वो जो संपत्ति है पिता की वो कौन संभालेगा, पुत्री। जब पिता की संपत्ति पुत्री संभालेगी तो नेचुरल है कि वो पिता का पिंडदान भी वही करेगी। तो इसीलिए जिनके पुत्रियां हैं वो इस बात से तो निश्चिंत हो जाइए कि हमारा आगे पिंडदान कौन करेगा। भैया, जिनके घर पर पुत्र नहीं है, फिक्र मत कीजिए, आपका पिंडदान आपकी बेटियां आगे कर सकती हैं, या जिनके भाई नहीं थे वो भी लेडीज कर सकती हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो ऐसे में परिवार की महिलाएं अपने पिता का श्राद्ध या पिंडदान कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र ना होने के बावजूद यदि पुत्री सच्चे मन से अपने पिता का साथ क्रियाक्रम करती है तो उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी स्थिति के अनुसार यदि पिंडदान के दौरान घर के पुरुष किसी कारणवश वहां मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में भी महिलाएं श्राद्ध या पिंडदान कर सकती हैं। आपको तो पता ही होगा कि माता सीता ने भी किया था पिंडदान। शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि किसी पुरुष की उपस्थिति ना होने पर फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड के पास माता सीता ने अपने ससुर राज दशरथ को पिंडदान किया था। माता सीता ने इस पिंडदान का साक्षी फल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय और वट वृक्ष को बनाया था। तो इसके ऊपर पूरी कथा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे माता ने पिंडदान किया था। तो इसीलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए। तो अब हम आपको बताते हैं पिंडदान की विधि। पिंड का अर्थ क्या होता है कि पितरों को भोजन का दान देना। पिंडदान के दौरान मृतक व्यक्ति के निमित्त जौ या चावल के आटे को गूंद कर गोलाकृति वाले पिंड बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे पिंडदान कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान भोजन के 5 अंश अपने पितरों के लिए निकालने का विधान है। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज के गाय, कुत्ता, कुआं, चींटी, एक बार फिर सुन लीजिए, गाय, कुत्ता, कुआं, चींटी और देवताओं के रूप में आकर, मतलब कि ब्राह्मण देवता जिसको हम बुलाते हैं, उनके द्वारा आकर भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि हमारे घरों में जब भी खाना बनता है श्राद्धों में तो उसमें 5 थाल निकाले जाते हैं, जब 5 पूड़ी निकाली जाती हैं, गाय को दी जाती है, कुत्ते को दी जाती है, कुएं को दी जाती है, चींटी को दी जाती है और ब्राह्मण देवता की भी होती है।
तो इस तरह से आपकी एक छोटी सी हमारी ओर से कोशिश है। महिलाओं को अक्सर होता है कि क्या आप महिलाएं पिंडदान कर सकती हैं, तो हमने आपको बता दिया कि हाँ, यदि पति पुत्र घर पर नहीं है और हमने श्राद्ध करना है तो कोई डरने की बात नहीं है, मजबूरी में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि जानबूझकर पति बेटा कह दे तू ही कर ले, हमें तो ज़रूरत नहीं, ये भी रॉन्ग है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसे हमें पितृदोष लगता है, ये मजबूरी में बताया गया हल है। तो यदि आपको हमारी ये